भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने महामारी का रूप धारण कर लिया है, जिसे हराने के लिए शासन प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थानों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी के चलते विदिशा जिले के सिरोंज में रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी ने मास्क बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। चीन के वुहान शहर से फैली कोरोना वायरस की इस महामारी ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते अब भारत में भी तेजी से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर जहां शासन प्रशासन अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, वहीं विदिशा जिले के सिरोंज स्थित रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी ने सराहनीय पहल की है, जिसके चलते संस्था द्वारा मास्क बनाकर ऐसे लोगों तक पहुँचाया जा रहा है जिसे इस गंभीर बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मास्क बांध के ही खांसना है आपको, अगर खांसी आती तो थोड़ा लोगों से दूर हो जाए, एक दूसरे के आमने सामने ये कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, इस बीच हम घरों में रहकर अपने अपने घरों में रहकर कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इसके लिए रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी है हमारा एनजीओ है, जिसके तहत लगभग 30 लोगों की हमारी टीम है सिरोंज में, जो अपने अपने घर हाथ मशीन से सिलाई मशीन के माध्यम से मास्क तैयार किए जा रहे हैं और लोगों को अपने अपने वार्डों में सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हम वितरण करा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे मास्क खरीद नहीं पाते, मास्क के बारे में जानते नहीं है, ऐसे ही गरीब बस्तियों में हम घर घर तक पूरे शहर में मास्क पहुंचाने का। रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी ने गरीब और बेसहारा लोगों को मास्क देने के साथ ही उन्हें अब घर में रहने की सलाह दी है। वहीं सर्दी खांसी की शिकायत होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।